अब देखो ये कहता है स्टोन इज टाइड टू स्ट्रिंग, अगर एक स्ट्रिंग से मैंने एक स्टोन को बांध दिया भाई, चलो ये स्ट्रिंग है ना, ऐसे गेम खेले होगे बचपन में बहुत, एक बॉल है सिंपल पेंडुलम लैब में गए होगे देखे होगे, इसकी लेंथ एल है, यहाँ मैंने इसको बॉब को अटैच कर दिया, स्ट्रिंग से अटैच कर दिया। अब उसके बाद कुछ और भी करना है, क्या करना है भाई, लोएस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी दे देना, इसको एक इम्पल्सिव इनिशियल वेलोसिटी एक हमने U दे दिया, ठीक है U दे दिया। अब U दे देंगे तो ऐसा थोड़ी है वो उधर जाने लगेगा, यहाँ बदा हुआ ना भाई, ठीक है। तो इट अटैच ए पोजिशन वेयर स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल, अगर स्ट्रिंग हॉरिजेंटल जाता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, मैग्नीट्यूड इन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब ये हॉरिजेंटल हो जाएगा कुछ टाइम बाद, जब अगर आप इसको वेलोसिटी दे दोगे तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, ये कुछ टाइम बाद ऐसे हॉरिजेंटल हो जाएगा। अब ये जब हॉरिजेंटल हो जाएगा तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो वी है यार, ठीक है, जब ये हॉरिजेंटल हो गया तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो वी है, तो हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी निकालना, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना, डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब देखो ये वाली वेलोसिटी हॉरिजेंटल है और जब स्ट्रिंग हॉरिजेंटल हो गया तो ये वेलोसिटी वर्टिकल हो गया, तो इन दोनों वेलोसिटी के बीच का वेक्टर एंगल यू ऐसे चला गया और वी ऐसे चला गया, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ इधर आएगा, ना चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर फॉर्म में देखोगे, ठीक है, तो ये इधर नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी फाइनल और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब इनका वेक्टर बनाओगे तो भी तो ऊपर ही है, भी ऊपर है, समझ रहे हो ना, और माइनस भी मतलब ये इधर आ जाएगा माइनस यू, तो ट्राइंगल रूल लगाओगे, ठीक है, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी दैट इज डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा और मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी आता नहीं सबको, ट्राइंगल रूल यार, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, बी को इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है, और इस पर ट्राइंगल रूल लगा दिए, इन दोनों का सम कर दिए, तो ये इन दोनों का सम है, ठीक है, ये सब आपको बेसिक वेक्टर में आता होगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी यू का मैग्नीट्यूड यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। अब हमारा टारगेट है वी निकालना, वी तो वी कैसे निकाला जाए, उस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व करा दो, यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो ले लूँ, चलो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिया, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, हाइएस्ट पॉइंट पे वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हॉरिजेंटल पोजिशन पे प्लस, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी और L, स्ट्रिंग की लेंथ L, ये वाला, ठीक है, यहाँ जीरो नहीं हुआ यार, ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं, ये हॉरिजेंटल पॉइंट है, आगे भी जाएगा ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तो हमारी फाइनली जो है वेलोसिटी जो आ जाएगी, जो वेलोसिटी आ जाएगी वो यम नियम को ख़त्म कर दिया, और जो यम नियम को ख़त्म किया, यू स्क्वायर माइनस टू जी एल दैट इज वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वी स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया, तो अगर वी स्क्वायर इतना आ गया तो इसको उठा के यहाँ रख दो, तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर और माइनस टू जी एल अंडर रूट, इसका मतलब ये हुआ कि टू यू स्क्वायर और माइनस जी एल दैट इज अंडर रूट, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन आएगा वो यहाँ से अल्फा डिग्री पे हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पे कुछ आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ टू यू स्क्वायर जी अंडर रूट, ये चेंज इन वेलोसिटी, कुछ लोग इसको जीरो ला देते हैं यार, वो गलत है, यहाँ रुका नहीं है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, आगे भी जाएगा, चलो ये कहता है एक बॉल रोल